चलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रोनोनिक। और आज जो है हम देखेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम ऑफिशियल ट्रेलर, ऑफिशियल टीजर, जैसे भी कहना चाहो। अभी 4-5 घंटे हुए हैं रिलीज हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बता दूँ, हो सकता है थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हों इस वीडियो में, क्योंकि जिन लोगों ने लोकी या यू नो वांडा विजन नहीं देखा है, हो सकता है कि मैं आगे इस मूवीज़ के बारे में या कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करूँ। सो अभी से स्पॉयलर अलर्ट है। स्पेसिफिकली लोकी और वांडा विजन के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अभी रिसेंटली देखा है मैंने, कंप्लीट किए थे सारे जितने भी सीरीज थे। दूसरा फॉर एग्जांपल विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका जो सीरीज थी, उसका मुझे कोई रिलेशन नहीं लगता कि कुछ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा। दूसरा व्हाट इफ्स जो है वो भी चल रहा है करंट में, और अभी मैंने उसका सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आपको देख लेनी चाहिए वो सारे सीरीज, कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो है आप इस मूवी की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी, एक बार मैं ट्रेलर देख चुका हूँ इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं है कि मूवी समझ में नहीं आएगी, बट थोड़ा अच्छे से समझ आने के लिए, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे लगता है आप लोगों को देख लेनी चाहिए। कंप्लीट कर लो यार सीरीज, मेरे ख्याल से कितने 6-7 एपिसोड के हैं, और कर लो कंप्लीट, बढ़िया है, अच्छी ही है, बुरी सीरीज नहीं है। तो लोकी का जो एंड है वो बेसिकली बहुत सारी टाइमलाइंस खुल चुकी हैं, बहुत सारे डायमेंशंस खुल चुके हैं, ये भी सब स्पॉयलर्स में है। अगर आपने लोकी नहीं देखी तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जब लोकी देखोगे तो समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और बहुत सारे यू नो यूनिवर्सेस टाइमलाइंस ओपन हो चुके हैं। वांडा विजन का जो एंड है वो बेसिकली आई थिंक उसका जो डायरेक्शन है वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज सेकेंड आने वाली है उसकी तरफ है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जो मूवी है उसके अंदर वांडा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी जब आएगी मूवी तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। नाउ तो ये वाली मूवी है, इस मूवी में भी थोड़ा बहुत कनेक्शन जो है वो उसी की तरफ है, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मार्वल, और उसके अंदर जो भी मल्टीपल यूनिवर्सेज, मल्टीपल टाइमलाइंस, उसी की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्रेलर शुरू करते हैं। सो स्पाइडरमैन नो वे होम फ्रॉम सोनी शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पार्कर मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। बस भी करो यार। जो हुकुम स्पाइडर लॉर्ड। एमजे हम दिन भर ऊपर नहीं रह सकते। नीचे बहुत पागलपन है। सही सुना दोस्तों, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब समझते क्यों? ओके, सो ये जो सीन था वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम सेकंड स्पाइडरमैन है, उसका एंडिंग पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी है यार देख लो, यार देख लो, अच्छी मूवी है, देख लो, कोई बुराई नहीं है। तो ये बेसिकली उसके एंडिंग में ये होता है कि पब्लिकली खुल जाता है कि स्पाइडरमैन कौन है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और उसने मारा है मिस्टीरियो को, ब्ला 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 ब्ला। सो देन उसके बाद आगे का सीन है। मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा है, उसे ड्रोन्स ने मारा है। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे? यप। जो भी हुआ क्या तुम उससे जरा भी खुश नहीं हो? क्या मतलब? सब सच जान चुके हैं तो अब तुम्हें ना लोगों से झूठ बोलने की जरूरत है ना किसी से छुपने की। देखो मैं तुमसे तो छुपाना नहीं चाहता था, पर दुनिया को कैसे कहता कि मैं स्पाइडरमैन हूँ? अब तो सबको पता चल गया। देखो मुझे मेरी परवाह नहीं है आंट, तकलीफ पहुंच रही है, मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि इसे ठीक कैसे करूँ। yep. तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज, कोई खास वजह? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर। मम्मी, हमने आधी दुनिया को साथ में बचाया, अब सर बोलकर शर्मिंदा मत करो। ओके स्टीवन, सुनने में अजीब लगा पर चलेगा। जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सब कभी हुआ ही ना हो? स्ट्रेंज, उस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत खतरा है। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। मानता थोड़ी है, पूरी दुनिया बहुत जल्द भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्या पूरी दुनिया? कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? ये मंत्र इस तरह काम नहीं करता। मतलब एमजे और मेरे बीच जो कुछ भी हो सब कुछ भूल जाएगी? मंत्र से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्लीज नेट को तो छोड़ दो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो आंट मे को तो अपना मुंह बंद रखो। सब भूल गए क्या? हमने समय के साथ छेड़खानी की है। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यस यस। सो
अगर सब भूल गए हैं कि हु इज स्पाइडरमैन, तो क्या जो ये सीन आ रहा है, क्या ये फाइट है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन, ऐसा कुछ फाइट है? क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी भूल गया हो कि कौन है, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही जानता है कि कौन है स्पाइडरमैन। वो मूवी देखेंगे पता चलेगा। तकलीफ तुम्हारी दो अलग जिंदगियां जीने में है, क्योंकि ऐसा करने से खतरा और बढ़ता जाएगा। वे, ये बॉल। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि जब ये आने वाला था ट्रेलर या मूवी, उसके बारे में जब बातचीत हो रही थी, तो बेसिकली ये बातचीत हो रही थी कि मल्टीपल डायमेंशंस होंगी, मल्टीपल टाइमलाइंस होंगी, और पिछली जितनी भी मूवीज़ हैं लाइक टॉम हॉलैंड के अलावा जितनी भी स्पाइडरमैन बनी हैं, टॉबी मैग्वायर एंड एंड्रयू गारफील्ड, अमेजिंग स्पाइडरमैन और जो नॉर्मल स्पाइडरमैन है, तो उसमें से करेक्टर्स उठा के इस वाले उसमें लाएंगे, बेसिकली कनेक्ट करेंगे उस चीज़ को कि वो एक मल्टीपल डायमेंशन है, ये एक मल्टीपल टाइमलाइन है, या वो टाइमलाइन है, बेसिकली समझ रहे हो ना तुम लोग। तो एंड जो है इस ट्रेलर का, देयर इज वन सरप्राइज। सो ये वाला जो बॉल है, मैं पूछना चाह रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे जानना है अभी, क्या ये जो है बॉम्ब, ये ग्रीन गॉब्लिन वाला है? ठीक है, कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए पार्कर। दिस ये ओके, सो दिस वॉज द ट्रेलर, एंड जो एंडिंग था बेसिकली डॉक्टर ऑक्टोपस, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे पुराने करेक्टर्स को दोबारा से इस वाली सीरीज में इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है, बेसिकली जो मल्टीपल टाइमलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ज़रिए। आप लोग बताना भाई, बहुत सारे मार्वल फैंस हैं मुझे मालूम है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे मार्वल फैंस हैं, तो बताना यार कैसा लगा ट्रेलर, कितने एक्साइटमेंट है, कितनी हाइप है। बेसिकली पहले इटर्नल्स आएगी, ये दिसंबर तक आएगी, मैंने अभी डेट नहीं पढ़ी, आई थिंक सो दिसंबर तक आएगी। पहले इटर्नल्स आएगी और एक मूवी और आएगी, मैं नाम भूल जाता हूँ सुपर हीरो का, कुछ ऐसे है, एक दूसरा सुपर हीरो, नया सुपर हीरो एक है, उसके ऊपर भी मूवी है। व्हाट इफ अभी चल रहा है, मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा है, सेकंड एपिसोड थैनोस वाला मैंने नहीं देखा, वो भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। तो इस मूवी के बाद मार्वल का जो मल्टीवर्स जो फेज़ है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस वॉज द ट्रेलर, और ऑल ओवर बहुत बढ़िया था, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ मूवी का, मूवी मुझे मालूम है बहुत देर बाद आएगी, और तब तक हम व्हाट इफ वगैरह देख के काम चलाएंगे। सो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और